नमस्कार, अल्टीमेट लॉयर सोसाइटी की तरफ से पुलिस एक्ट पर यह दूसरा सेशन है। पुलिस एक्ट 1861 एक्ट नंबर 5 1861 गवर्नर जनरल के सेशन 22 मार्च 1861 को मिली। पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 2 धारा 2 पुलिस बल के गठन के बारे में बताता है। धारा 2 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना पुलिस बल कहलाएगी और रिक्तता भर्ती की जाएगी। तो पुलिस बल जो है सेक्शन 2 के बाद समस्त पुलिस स्थापना किसके अधीन होगी? राज्य सरकार के अधीन होगी। यह यूपीएफपीओ के प्रारंभिक परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात आती है इसी के क्लास 2 में, इसी के क्लास 2 में कहा गया है कि अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या अधिक जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे उनसे मिलकर पुलिस बल का गठन होगा। और इसी में एक और क्लास बताता है पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा समय कैसी होगी जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे। तो धारा 2 पुलिस बल के गठन के बारे में बताता है। पुलिस बल गठन किसके अधीन होगी? राज्य सरकार के अधीन होगी। पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों की सेवा और वेतन की शर्तें क्या कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगा। और पुलिस जन की संख्या और उनकी रीति, कितनी संख्या होगी पुलिस जन की और भर्ती करने की रीति क्या होगी, यह कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। तो धारा 2 प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार आपको ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं धारा 2। धारा 2 उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा धारा 2 में नागरिक उद्यम कार्मिक का एक पद होता था जिसे धारा 2 के द्वारा नागरिक उद्यम कार्मिक को पुलिस बल में शामिल कर लिया गया। धारा 2(1) का क्लास ये क्या बताता है? संसद नियम के किन्हीं या सभी उपबंधों में या तत्संबंधों में किसी अन्य विधि के होते हुए भी इस धारा के उपबंध लागू होंगे, मतलब कि नागरिक उद्यम कार्मिक पुलिस बल में शामिल होगा। धारा 2(1) का क्लास ये बताता है ऐसे दिनांक से, कैसा दिनांक कैसे दिनांक से जिस दिनांक को राज्य सरकार नागरिक उद्यम कार्मिक पुलिस बल में शामिल करने हेतु नियुक्त करे, ऐसे दिनांक से समस्त नागरिक उद्यम कार्मिक उस दिनांक के पूर्व जो नियोजित थे इस एक्ट के प्रयोजन हेतु पुलिस बल के सदस्य होंगे और धारा 8(1) के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए जाएंगे। धारा 8(1) भी उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा ही जोड़ा गया और नागरिक उद्यम कार्मिक में कोई भी नया पद ऐसी रीति से मिलकर बनेगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त समय समय पर आदेशित करे। इसी में प्रोविजन किया गया है उस दिनांक से, जिस दिनांक से नागरिक उद्यम कार्मिक का पद पुलिस बल में शामिल किया गया उस दिनांक से पूर्व नियोजित कोई भी नागरिक उद्यम कार्मिक नागरिक उद्यम महानिदेशक उत्तर प्रदेश को संबोधित 30 दिन की अवधि, उस दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर दिए सूचना द्वारा उक्त पुलिस बल का सदस्य न होने के अपने विकल्प का चुनाव कर सकेगा और सूचना प्राप्ति के दिनांक से नागरिक उद्यम विभाग में उसका पद और सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तथा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नागरिक उद्यम कार्मिक को जो पुलिस बल का सदस्य न होने का चुनाव करता है उसे प्रतिपूर्ति के रूप में 3 माह के वेतन के बराबर धनराशि की भुगतान कर दी जाएगी। सेवाएं के अन्य निबंधन ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित होगा। और क्लास 2 यह बताता है कि नागरिक उद्यम कार्मिक का कर्तव्य, क्लास 2 नागरिक उद्यम कार्मिक के कर्तव्य के बारे में बताता है। नागरिक उद्यम कार्मिक के मुख्यतः 3 ही कर्तव्य क्लास 2 में बताए गए हैं, वायुयान का निरीक्षण करना, मेंटेनेंस ऑफ एयरप्लेन, लखनऊ हवाई अड्डे की सुरक्षा करना और लखनऊ हवाई अड्डे सहित अन्य निर्दिष्ट हवाई अड्डों की सुरक्षा करना जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त घोषित करे।
नागरिक उड्डयन कार्मिक के कर्तव्य के निर्वहन हेतु विशेषाधिकार और शक्तियां राज्य सरकार के समान और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट होंगी। और आखिरी बार नागरिक उड्डयन कार्मिकों का प्रशासन महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश में नियुक्त होगा, यह बात क्लास सिक्स में बताई गई है। और ये नागरिक उड्डयन कार्मिक का पद सेक्शन 2A प्रारंभिक परीक्षा हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पुलिस अधिनियम की धारा 3, पुलिस अधिनियम की धारा 3, पुलिस का अधीक्षक राज्य सरकार में नियुक्त होना, अधीक्षक का राज्य सरकार में नियुक्त होना यह साइटेशन है, लेकिन किसका अधीक्षक? पुलिस का अधीक्षक राज्य सरकार में नियुक्त होना धारा 3 में बताती है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षक उस राज्य सरकार में नियुक्त होगा जिस राज्य सरकार के अधीन ऐसा संभागीय जिला आता हो। इसी में बात और बताई गई है, राज्य सरकार के अलावा कोई व्यक्ति अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार के अलावा कोई व्यक्ति अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी पुलिस कर्मचारी को अतिशिष्ट या नियंत्रित करने हेतु सशक्त नहीं होगा, यह धारा 3 में बताया गया है। ओके, धन्यवाद।